हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। एक कटोरी सूजी के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी दूध लिया है और मैंने यहाँ पर थोड़े से बतासा लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टोर पर बहुत ईजीली मिल जाएंगे और इनसे गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करें। जिस तरह से आज मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, आप उस तरह से एक बार जरूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनती हैं। और दो मैंने चम्मच यहाँ पर ये घी लिया है और चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है और एक गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया है और तीन से चार इलायची ली है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे ये सूजी। सूजी को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। सूजी को हम लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक इनको अच्छे से भून लेंगे सूजी को, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, जब तक इसको हम लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तीन से चार मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी का कलर अपने आप चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और दो से तीन मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब सूजी इस तरह से थिक हो जाएगी तो इसमें हम अपना ये घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सूजी हमारी अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं कढ़ाई से बिल्कुल तला छोड़ रही है, यानी कि सूजी हमारी अच्छे से पक गई है। जब इस तरह से तला छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं कि सूजी हमारी अच्छे से पक गई है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि सूजी हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है, जब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम गैस ऑन करके एक बर्तन रखेंगे और इसमें हम एक गिलास पानी डाल देते हैं और ये चीनी डाल देते हैं और चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और इसमें इलायची डाल देते हैं। इलायची को हमें इस तरह से इसमें तोड़ के डालना है और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। हमें गुलाब जामुन के लिए एक तार की चाशनी चाहिए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसको तीन से चार मिनट के लिए और पका लेंगे तो हमारी एक तार की चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। पाँच से छः मिनट के बाद आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह की हमें इसकी चाशनी बनानी है। सूजी भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको लगातार तीन से चार मिनट के लिए इस तरह से सूजी को हम मथ लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिकनी हो जाए और हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। सूजी अच्छे से चिकनी हो गई है। अब हाथ पे हम थोड़ा सा बैटर ले लेंगे सूजी का। आप छोटी या बड़ी कैसी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें ये बतासा डालेंगे इस तरह से और इसको बंद कर देंगे और इसको घुमाते हुए हम गोल कर लेंगे बिल्कुल चिकना। हमें इसको गोल करना है। देखिए इस तरह से हमें इसकी गुलाब जामुन बनानी है। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखाती हूँ बना के। इसमें ये बतासा डालेंगे और इसको बंद करेंगे और इसको हम गोल करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारी गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारे गुलाब जामुन बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन करके यहाँ पर घी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप घी या रिफाइंड ऑयल किसी में भी गुलाब जामुन सेक सकती हैं। घी को अच्छे से थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें हम अपने गुलाब जामुन डाल देते हैं और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखेंगे और गुलाब जामुन को हम पलट देते हैं। इनको हल्के हाथ से ही पलटना है और इनको पलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इनका। और हमने जो चाशनी बना के रखी है उसमें हम ये गुलाब जामुन अपने डालते जाएंगे और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन भी सेक लेते हैं। ये गुलाब जामुन भी हमारी अच्छे से सेक गई हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। मैंने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है। अब हम एक बॉयल आने तक इनको पका लेंगे ताकि गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
एक से दो मिनट पकाने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इनको आधा घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी सूजी की गुलाब जामुन बनके तैयार है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपने देखा इसमें बतासा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अच्छे से अपने आप मेल्ट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।